नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ फाइका फातिमा। लालू और नीतीश के बेहद खास राजनीतिक दोस्त बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का निधन हो गया है। वे पिछले लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। नरेंद्र सिंह के पुत्र सुमित सिंह फिलहाल बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह बिहार के जमुई जिले के कदागर नेता रहे। उन्होंने कई बार यहां के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया, साथ ही नीतीश सरकार में अलग अलग विभागों के मंत्री भी रहे। राजपूत समाज में आने वाले नरेंद्र सिंह का राजपूत बिरादरी की राजनीति में विशेष प्रभाव था। उनके निधन की खबर से पैतृक जिले जमुई में भी शोक की लहर दौड़ गई। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह के दो बेटे अजय प्रताप ने जमुई विधानसभा से आरएलएसपी उम्मीदवार के तौर पर तो चकाई से सुमित कुमार सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि अजय प्रताप चुनाव हार गए, जबकि सुमित ने निर्दलीय ही चुनाव जीता था। बाद में सुमित सिंह ने नीतीश सरकार को समर्थन देने की घोषणा की और उन्हें मंत्री बनाया गया। नरेंद्र सिंह का लालू यादव और नीतीश कुमार से निकट का संबंध रहा। आपातकाल के दौर से ही वे दोनों के साथ आंदोलन में जुड़े रहे। बाद में वे सक्रिय राजनीतिक में आए और लगातार अपना दबदबा बनाए रखा। लालू यादव और नीतीश कुमार में जब रिश्ते मधुर नहीं रहे, नरेंद्र सिंह ने लालू यादव को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार की मुहिम के साथ दिया। कहा जाता है कि नरेंद्र सिंह उन कुछ खास लोगों में रहे जिन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र सिंह भी उनके साथ रहे। बाद में वे नीतीश सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि बाद में उन्हें और नीतीश कुमार के रिश्ते के दूरियां बढ़ गई, खासकर विधानसभा चुनाव 2020 में जब जदयू ने नरेंद्र के दोनों बेटे को टिकट नहीं दिया, तब उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उनके बेटे सुमित ने निर्दलीय के तौर पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि इसी साल बीते 29 मार्च को नई दिल्ली स्थित एम्स में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का सफल ऑपरेशन हुआ था। उन्हें लीवर के ऊपर गांठ की समस्या थी। खुद उनके बेटे और बिहार सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा था कि पूर्व मंत्री निरंतर अपने राजनीतिक सामाजिक दायित्व के समक्ष अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते रहे, तब सेहत ने साथ छोड़ दिया। उन्हें लीवर के ऊपर गांठ की समस्या थी जो भविष्य में गंभीर रूप ले सकती थी। पिछले पखवाड़े भी नरेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। कुछ दिन पहले ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी और कुशल क्षेम जाना था। सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसी ही तमाम छोटी भरी खबरों के लिए देखते रहें एनबीसी 24।